गुरुजी, विचार एक ऐसी शक्ति है जिसे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। विचार को एक दिशा में फोकस करें, विजुलाइज करें, तो हम जो भी चाहे वो पा सकते हैं। दूसरा एक फिलोसॉफी ऐसा है कि विचार को साक्षी भाव से देखते रहे, जो भी अच्छे या बुरे विचार आते हैं उसे साक्षी भाव से देखते रहे। तो दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। दोनों देखते रहना चाहिए। देखते देखते जब मन शांत हो जाता है तब योग हुआ वहां पर। विचार हट गए, मन एकदम निर्विचार अवस्था में आ गया, फिर एक कोई संकल्प ले, वो होता हमारे यहां कहते संकल्प लीजिए। कैसे लेते हैं संकल्प? किसी पूजा में जाने से, कहीं जाने से क्या करते हैं? हाथ में थोड़ा जल देते हैं, कुछ अक्षत देते, एक फूल देते। अब संकल्प लीजिए। संकल्प क्या लेंगे? हाँ, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटा का जॉब लग जाए, हमारी सासू जी की तबीयत ठीक हो जाए। तो ये संकल्प लेके क्या करते, और ये मैं प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता हूँ, ये मेरा संकल्प है। संकल्प हाथ में लिया, पानी लेके नहीं बैठते, उसको क्या करते हैं? छोड़ देते ऐसे। तो इस तरह से मन में एक संकल्प लेके उसको समर्पित कर दिया तो फिर वो काम होने लगता है। ध्यान के बाद कोई संकल्प कर लिया मन में, ध्यान करके उठने के बाद फिर किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो काम हो जाता है उनका। होता है कि नहीं? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है बताओ? देखो, आप जो चाहते सो हो ही जाता है, बिन मांगे बिन चाहे हो ही जाता है, मगर जरूरत पड़े को चाहने से मांगने से कोई हर्ज नहीं है, वो भी कर सकते हो। उत्तम तो ये है इस विश्वास पे चलना, जो हमारी जरूरत है वो पूरे करने के लिए हमारे है ही कोई, वो सब हो ही जाएगा, ये सब उत्तम है। मगर हमेशा उत्तम ही होता है ऐसा नहीं, कभी तकलीफ ज्यादा होता है तो मध्यम भी है, अधम नहीं है, ये मध्यम मार्ग। मुझे एक चीज हो जाए, इस किसी एक निर्दिष्ट संकल्प एक लेना चाहिए, हजारों ने एक वक्त के लिए एक निर्दिष्ट संकल्प लिया, उसको समर्पण कर दिया तो वो भी पूरा हो ही जाता है।